Hello friends, welcome to My Career YouTube official channel. My name is Devashish Goyal and today we will discuss SSC-CGL 2018 मतलब जो 2018 वाला SSC-CGL था वो 2019 में हुआ था, तो 4th of June की जो third shift है उसके आए हुए जो पेपर में से LR सेक्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो LR सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स हम यहां पे लेके जा सकते हैं और बहुत जल्दी ये सेक्शन हम सॉल्व कर सकते हैं विद इन 8 टू 10 मिनट्स अगर हमने अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हो और बहुत ज्यादा मतलब कि अब देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हमने इस टॉपिक में से LR में से किए गए हैं तो बहुत जल्दी हम इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी लेवल पे अगर हम LR सेक्शन की बात करें तो बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत आराम से हम 8 से 10 मिनट में इन 25 क्वेश्चंस को कर सकते हैं विद 100% एक्यूरेसी। एक-एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा कोडिंग डिकोडिंग में से, तो यहां पे हमें फ्लावर इज कोडेड एज 14, जो फ्लावर की कोडिंग है वो 14 दी गई है एंड डिस्टेट की जो डिस्टेस्ट की जो कोडिंग है वो हमें 18 दी गई है, तो यहां पे जो ब्यूरोक्रेट है उसको हम कैसे कोड करेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप देखिए फ्लावर में यहां पे कितने लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स आर 6, तो हम क्या करेंगे 6 में एक लेटर ऐड करेंगे, एक लेटर एक न ऐड करेंगे तो क्या बने 7, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहां पे क्या बना 14 बना। डिस्टेस्ट की जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो कितने हैं 3 3 6 और 2 8, 8 लेटर्स हैं, इसमें 1 ऐड करेंगे 9 9 into 2, तो यहां पे जो हमारी कोडिंग बनेगी वो 8 बनेगी। अब ब्यूरोक्रेट को काउंट कर लेते हैं 3 and 3 6 and 4 10, तो 10 लेटर्स हैं हमारे पास, सबसे पहले इसमें 1 ऐड करेंगे 11, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माय आंसर इज 22। तो कौन सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, ए ऑप्शन के साथ, तो ए ऑप्शन इज माय डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। वेन डायग्राम में से आया हुआ क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोइंग क्लासेस। तो क्या-क्या हमें यहां पे दिया गया है, ग्रेजुएट्स, लिटरेट्स एंड हार्ड वर्किंग, तो इनमें से अगर हमने इनका रिलेशन बनाना हो वेन डायग्राम की शेप में तो कैसा बनेगा। अब ये चीज तो श्योर है कि भाई जो ग्रेजुएट लोग हैं वो लिटरेट्स तो होंगे ही होंगे, तो मतलब लिटरेट्स के अंदर हमारे पास ग्रेजुएट आएंगे ही आएंगे, ठीक है, तो सारे ग्रेजुएट लिटरेट्स हैं, तो या तो हमारी ए ऑप्शन होनी चाहिए ये या बी ऑप्शन होनी चाहिए, मतलब सी और डी हमारी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। अब उसके बाद जो तीसरा है हार्ड वर्किंग, अब सभी ग्रेजुएट लिटरेट्स तो हैं पर सभी लोग हार्ड वर्किंग होंगे ये हमें पता नहीं है, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते हैं, तो इसको डिफाइन करने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ऑड वन आउट, यहाँ पे क्या है आपको 4 नंबर्स दिए गए हैं, उनमें से 3 का एक प्रॉपर पैटर्न बन रहा है, एक इसमें से डिफरेंट है, हमें उसके ऊपर टिक करना है, तो वो देखनी है करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई टाइम कंज्यूम यहाँ पे ज्यादा नहीं होगा, यहाँ पे है 1 2 3, मतलब एक कंटिन्यूटी में यहाँ पे नंबर दिया गया है, तो ये ऑप्शन हम अभी चेक करते हैं कि ये मतलब कि ऑड वन आउट होगी या कोई और होगी। सेकंड ऑप्शन में 7 8 9, यहाँ पे भी एक कंटिन्यूटी में नंबर दिया गया है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में क्या है 4 5 7, मतलब यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं बन रही है, यहाँ पे 2 का गैप हमारे पास बना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 5 6 7, मतलब यहाँ पे भी जो नंबर है ये पूरे कंटिन्यूटी में है 5 6 7 लगातार, तो मतलब सी ऑप्शन एक ऐसी ऑप्शन है यहाँ पे ये कंटिन्यूटी नहीं बन रही है, बाकी तीनों में एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो सी ऑप्शन जो है ये ऑड है, मतलब ये यहाँ पे लग जाएगी, तो इसको हम करेक्ट करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑड वन आउट, तो यहाँ पे हमें लेटर्स का कुछ पैटर्न दिया जाता है। अच्छा, इन लेटर्स के पैटर्न में हो सकता है कि ये लेटर इंक्रीज हो रहे हो एक प्रॉपर पैटर्न के साथ, हो सकता है ये डिक्रीज हो रहे हो सकता है इसमें कुछ वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का भी फंडा बने, तो देखते हैं इसमें क्या पैटर्न अप्लाई किया गया, जो भी 3 ऑप्शन सेम है और जो भी डिफरेंट है उसमें क्या पैटर्न है।
तो थोड़ा इनको कोडिंग कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा इस क्वेश्चन को करना। अगर आपको यहाँ पे नहीं पता है तो M कौन सा लेटर है, 13, Z जो है 26, L जो है 12th लेटर एंड Y जो है 25th लेटर। नेक्स्ट क्या है, KXJW, K कौन सी नंबर का लेटर होता है, 11, X होता है 24, J is 10 and W is 23, ठीक है। नेक्स्ट है G7, E5, S is 19, O is 15, next is I is 9th letter, V is 22, H is 8 and U is 21, ठीक? तो अगर हम इन लेटर्स के पैटर्न को देखें तो बहुत क्लियरली हमें नंबरिंग से पता लग रहा है कि ये अल्टरनेटली एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। जैसे 13 में से माइनस 1 किया 12, मतलब इससे पहले वाला लेटर यहाँ पे लिखा गया है, और 26 में से 1 माइनस किया 25, तो सेकंड और थर्ड का भी ये रिलेशन बन रहा है। नेक्स्ट जो सेकंड ऑप्शन है उसमें भी ये 11th लेटर 10th लेटर मतलब माइनस 1 यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है, ये 24 और 23 तो यहाँ पे भी माइनस 1 मतलब उससे पहले वाला लेटर जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे 12 लेटर ऐड किए गए और यहाँ पे जो है 10 लेटर ऐड किए गए, तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीक्वेंस नहीं बन रहा। और अगर डी ऑप्शन को देखा जाए तो 9 और 8, यहाँ पे क्या हुआ, 1 लेटर माइनस हुआ, और 22 21 तो यहाँ पे भी 1 लेटर माइनस हुआ। तो ये वाले अगर देखे जाए तो ए बी और डी तीनों ही ऑप्शन में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि अल्टरनेटली एक एक लेटर कम हो रहा है, पर जो थर्ड ऑप्शन है उसमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा जिसकी वजह से हम सी को डिफरेंट करके चलेंगे। अच्छा, दूसरी चीज इसमें एक और भी है कि आप इसको ऐसे भी सिंपल गैप के साथ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं 13 26 12 एंड 25, तो यहाँ पे कितने लेटर्स ऐड हो रहे हैं, 13 में 13 लेटर ऐड हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे कितने लेटर्स ऐड हो रहे हैं 12, देन यहाँ पे कितने लेटर्स ऐड हो रहे हैं 13 हो रहे हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पे 11th लेटर 24th लेटर फिर 10th लेटर 23rd लेटर, तो यहाँ पे भी पहले 13 लेटर ऐड हुए। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सीरीज कभी खत्म नहीं होता, तो 24 से आगे चलेंगे 24 और 2 26 एंड देन 10, तो यहाँ पे भी 12 लेटर ऐड हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे 13 लेटर ऐड हुए। थर्ड ऑप्शन को देखें तो 7 5 19 15, तो यहाँ पे पहले माइनस 2 हुआ, देन उसके बाद प्लस 14 हुआ, देन माइनस 4 हुआ, तो मतलब कोई भी प्रॉपर पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा। देन नेक्स्ट देखे तो 9th लेटर है 22nd है 8th है 21, तो यहाँ पे 13 लेटर ऐड हुए, देन उसके बाद अगर देखे तो 12 अगेन 13, तो मतलब हम दोनों ही तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आई थिंक ये वाला जो मेथड है जो बाद में हमने किया ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, पर ऐसे पैटर्न हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो हम इसको भी इग्नोर करके नहीं चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। दिस वन इज एनालॉजीज, लेटर एनालॉजीज। तो यहाँ पे हमें क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है कि डी के एफ एम को यहाँ पे इन्होंने कैसे लिखा है, एफ आई एच के, तो बी एल जी पी को हम कैसे लिखेंगे। तो डी कौन सा लेटर होता है, 4th, एफ होता है 6th लेटर, तो यहाँ पे कितने लेटर्स ऐड किए गए, 2 लेटर्स ऐड किए गए। के कौन सा लेटर होता है, 11th, आई कौन सा लेटर होता है, 9th, तो यहाँ पे क्या किया गया, 2 लेटर्स को सब्ट्रैक्ट किया गया। F is 6th letter, H is 8th, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 letters add हुए। M is 13, K is 11th, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 letters को subtract किया गया। तो same funda हम यहाँ पे apply करेंगे, B होता है 2nd letter, तो B में हम अगर 2 letters को add कर दें, तो 4th letter बनता है, 4th letter कौन सा होता है, D। तो डी वाली हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो ए है तो यहाँ डी ऑप्शन है, तो बी और सी यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है। अब नेक्स्ट चलते हैं एल, एल इज 12, तो यहाँ से अगर मैं 2 लेटर यहाँ पे माइनस करूंगा तो बचेगा 10th लेटर, तो 10th लेटर कौन सा होता है, जे, तो डी जे वाली हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन, तो हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना बाकी दो लेटर्स के ऊपर, तो हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई नन ऑफ दीज की ऑप्शन नहीं है, तो हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन वर्बल सीरीज, दिस वन इज पेपर कटिंग, यस।
तो पेपर की यहाँ पे आपको एक फर्स्ट जो फिगर दी गई है, इसमें पूरा पेपर दिया गया है, यहाँ पे डॉट्स लगाए गए। अब उसके बाद क्या हुआ, पेपर को यहां से ये वाले कॉर्नर से इतना इतना फोल्ड किया गया, देन उसके बाद पेपर को इस जगह से भी फोल्ड करके यहां से पंच किया गया, मतलब कट किया गया, ये वाली चीज। जब इस पेपर को ओपन किया जाएगा तो हमें कैसी फिगर देखने को मिलेगी? तो भाई पेपर जो है हमारा सबसे पहले ऐसे खुलेगा, ये वाला पार्ट, ये कॉर्नर, तो ये श्योरिटी है कि ये वाली ट्रायंगल यहां पे ही बनेगी, ठीक है। ये वाले जो यहां से पंच किए गए, कट किए गए, तो ये वाला पार्ट यहां पे बनेगा, ये वाला भी जो पंच है यहां पे बनेगा, क्लियर। तो ये फर्स्ट, देन उसके बाद इसको, ये जो साइड्स हमने यहां पे फोल्ड की थी, यहां से पेपर को ओपन किया जाएगा। तो जब पेपर को ओपन किया गया दोनों साइड यहां पे हमारे पास, तो हमारे पास क्या बने, ये वाले दो पार्ट जो कट किए गए थे वो यहां पे हमारे पास ड्रॉ होंगे, और ये वाले जो दो पार्ट यहां पे कट किए गए थे ये भी यहां पे ड्रॉ होंगे। तो ये कौन सी ऑप्शन में हमें सेम फिगर देखने को मिल रही है? तो ये है हमारी डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि ये जब पेपर को कट करके ओपन किया जाएगा तो हमारे पास सेम फिगर बनेगी जो डी ऑप्शन में हमारे पास है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन था, तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि बहुत ज्यादा टफ लेवल का एग्जाम नहीं होता इसमें, एलआर का पार्ट जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, तो बहुत जल्दी हम क्वेश्चंस को हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी इज द फादर ऑफ क्यू। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे मैं मेल पर्सन के लिए स्क्वायर यूज करूंगा, फीमेल पर्सन के लिए यहाँ पे जो यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा सर्कल, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन शो करना है तो ध्यान रखिए ब्लड रिलेशन में कि आप डबल लाइन के साथ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन शो कर सकते हैं, कि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है ये इसके हस्बैंड है ये इसकी वाइफ है, डबल लाइन के साथ हाँ ब्लड इस हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को शो कर सकते हैं, मतलब अगर लाठी इधर से चलेगी तो लाठी इधर से भी चलेगी। ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर का रिलेशन शो करना है तो आप सिंगल लाइन के साथ कर सकते हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि ये इसका ब्रदर सिस्टर है। देन अगर आपने फादर वाली जनरेशन बनानी है तो इस जनरेशन से ऊपर चले जाइए, तो ये फादर, ग्रैंडफादर की जनरेशन बनानी है तो इससे भी ऊपर, और सन की जनरेशन बनानी है तो इससे नीचे। तो ऐसे आप रिलेशन बना सकते हो रेदर देन आप बार बार उसको लिख रहे हो। तो सबसे पहली क्या लाइन है, पी इज द फादर ऑफ क्यू, तो पी जो है वो क्यू के फादर है, तो ऐसे ही बनेगा, पी अपर जनरेशन में आ गए तो क्यू इनका बेटा, तो इससे नीचे जनरेशन। एंड आर इज द सन ऑफ एस, जो आर है वो किसका सन है, एस का, तो इसको हम अलग लेके चलेंगे, आर जो है सन है किसका जी, एस का, तो ऐसे इससे ऊपर जनरेशन। नेक्स्ट क्या है, टी इज द ब्रदर ऑफ पी, जो टी है वो किसका ब्रदर है, पी का, मतलब पी और टी दोनों भाई हो गए, ठीक है। क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, जो क्यू है वो आर की सिस्टर है, क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, सॉरी सॉरी, ठीक है, क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर। तो हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, अब देखिए कि अगर क्यू जो है वो पी की बेटी है और आर जो बेटा है एस का है, तो कहने का मतलब ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, क्योंकि क्यू और आर क्या है, दोनों भाई बहन। तो अगर टी पी का भाई है तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, तो फिर टी एस का क्या लगा, टी एस का क्या लगा, देवर या ज्येष्ठ, मतलब ब्रदर इन लॉ हो गया, तो एस इसकी भाभी लगी, भाभी मतलब सिस्टर इन लॉ। तो यहां पे जो ऑप्शन आएगी वो कौन सी आएगी, हमारी सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे जो है हमें तीन पेयर्स दिए, चार पेयर्स दिए गए हैं, जिनमें से तीन जो है वो एक लिंक करते हैं, बिल्कुल सही है, एक जो है अलग है, ऑड वन आउट है, वो हमें पता करना है। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि हमारे पास एक देश दिया गया है, कंट्री दी गई है, साथ में उनकी करेंसी दी गई है, तो इन चारों में से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें कोई वो तो देश है उसकी वो करेंसी नहीं है। तो बांग्लादेश की करेंसी क्या है जी, टका, बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है। साउथ कोरियन रुपया, नहीं, साउथ कोरियन की जो करेंसी है वो है साउथ कोरियन वॉन,
साउथ कोरियन वोन, मतलब साउथ कोरियन जो करेंसी है वो है साउथ कोरियन वोन। तो रशिया की रूबल है, यस, मलेशिया की भी जो करेंसी है वो रिंगेट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमारी ऑप्शन आएगी वो बी ऑप्शन आएगी, जो ऑड वन आउट है, क्योंकि बाकी सभी जो है कंट्रीज है उनकी जो करेंसी है उनके नाम के साथ सही मैच कर रही है, पर साउथ कोरियन नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया की जो करेंसी है साउथ कोरियन वोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन नॉन वर्बल सीरीज में से, तो सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, मतलब जो ये फिगर हमें दी गई है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन में ये फिगर एम्बेडेड है, मतलब हमें यहाँ पे मिल सकती है। एंड यहाँ पे एक चीज कंडीशन और भी लिखी है, रोटेशन नॉट अलाउड, कि आप रोटेशन भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इस चीज को देखें बहुत ध्यान से, तो चारों ऑप्शन में से पहली ही एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है और हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। चेक करते हैं, ये वाली चीज बननी चाहिए यहाँ पे जो उन्होंने हमें दी गई है, ठीक है। देन उसके बाद ये वाला पार्ट आया, अपर पार्ट, यस। एंड देन उसके बाद यहां से ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन हमारी जा रही है। देन उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे तो ये वाला पार्ट, एंड देन हाफ पार्ट जो है, तो ये वाली जो एम्बेडेड फिगर जो इन्होंने कहा थी कौन सी ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन में ये बहुत क्लियरली हमारे पास पड़ी है, तो ए ऑप्शन के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, टेंथ, ये भी नॉन वर्बल सीरीज में से आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो हमें यहाँ पे जो एक्स है और जो ओ है ये रोटेट करते हुए मिल रहे हैं, तो इनमें एक पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न को हमें समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें बताना है कि इसकी ये जो क्वेश्चन मार्क वाली है इस जगह पे कौन सी फिगर आएगी। अब देखिए, फर्स्ट फिगर में एक्स इस जगह पे पड़ा है, नेक्स्ट में यहाँ पे, मतलब एक स्टेप मूव करके कौन सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स इस जगह पे आया। देन उसके बाद क्लॉक इसने एक्स ने दो, मतलब एक जगह छोड़ के दूसरी पे, पहले तो साथ की साथ ही, मतलब नेक्स्ट जगह पे, उसके बाद फिर एक छोड़ के दूसरी पे गया, तो कहने का मतलब दो पार्ट्स में चला गया, पहले एक पार्ट फिर उसके बाद दो पार्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट वाली फिगर में क्या हुआ, तीन पार्ट छोड़े, ये छोड़ा दो और तीसरे में चला गया, इसमें चला गया। अब यहां पे क्या होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो सबसे पहले एक स्टेप मूव किया, फिर दो स्टेप मूव किए, उसके बाद तीन स्टेप मूव किए, अभी कितना करेगा, चार स्टेप, तो एक दो तीन चार, तो चौथा स्टेप ये बनता है। कहने का मतलब जो एक्स आना चाहिए इस जगह पे आना चाहिए, तो इस ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन कैंसिल है हमारी, ये ऑप्शन कैंसिल हो रही है। अब या तो ये बी में होगा या डी में होगा, तो दोनों में से हम ऑप्शन चेक करते हैं किसमें ये बनेगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं ओ के ऊपर, ओ कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। अब यहां पे ओ इस जगह पे है, उसके बाद उसने दो स्टेप मूव किया एंटी क्लॉक, तो ओ आ गया इस जगह पे। देन उसके बाद उसने फिर दो प्लेसेस दो स्टेप मूव किया, तो ओ इस जगह पे आ गया। फिर उसने यहां से दो स्टेप मूव किए, तो इस जगह पे आ गया। अब यहां से फिर दो स्टेप मूव करेगा, तो ये जो एक्स वाली जगह पे है यहाँ पे ओ आ जाएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन में, हमारे पास डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पे जाएंगे, तो हमारी डी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट, बी हमारी यहाँ पे कैंसिल। Let us move to next question. Next है हमारे पास, यहाँ पे हमें word pair दिए गए हैं, तो word pair यहाँ पे जो हमें दिए गए हैं, तो कौन सा word pair इसके साथ relate नहीं करता। Select the word pair in which the word two words are related in the same way as are in the two words. ठीक है, तो यहां पे जो हमें दिए गए हैं कि कौन सा इसके साथ रिलेट करेगा, ठीक है, जो यहाँ पे हमें दिया गया, हमें इसके पैटर्न को समझना है और इसके अकॉर्डिंग ही हमें देखना है। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं भी ये कहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को पहले देखिए, समझिए, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि ये थोड़े जो एनालॉजीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होना जरूरी है, तो आप इन क्वेश्चंस को समझो कि इनका मीनिंग एक्चुअली में कहना चाहता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे बताएंगे कि ये वाक्य ही इसके साथ रिलेट करता है या नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन को आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है।
जी, होप आपने इनको देख लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। He frowned displeasure. तो frown मतलब यहाँ पे क्या होता है, तेवर दिखाना किसी को। ठीक है, frown का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तेवर दिखाना, जब हम कुछ अपनी भौहें जो होती हैं, ठीक है, उनको ऊंचा करते हैं, किसी को कुछ एक्सप्रेशन देते हैं, दैट मीन्स जो है, तो फ्रॉम का मतलब होता है बहुत ही, मतलब जब टेढ़ी करना है किसी को, तेवर दिखाना, कुछ एक्सप्रेशन देना, उससे क्या होता है डिस्प्लेजर, मतलब एक वो जो है उसका सिनोनिम है। ठीक है, तो ग्रीफ सोरो ये तो इसका सिनोनिम है, पर ग्रीफ के साथ और सोरो, क्योंकि ये एक्सप्रेशन के साथ रिलेटेड है। तो ग्रीफ इज नॉट एक्सप्रेशन, मैडनेस इज नॉट एक्सप्रेशन, लाफ इज नॉट एक्सप्रेशन, हाँ बट स्माइल इज एक्सप्रेशन, और स्माइल से एक्सटेसी आती है, तो ये भी इसका सिनोनिम बनता है। तो दैट मींस डी ऑप्शन जो है इसके साथ बिल्कुल मैच करती है, क्योंकि फ्रॉम इज अ एक्सप्रेशन एंड स्माइल इज आल्सो अ एक्सप्रेशन, तो दैट मींस डी इज जो है यहाँ पे इसके साथ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वैसे तो अगर हम देखें तो बहुत क्लियरली हमें यहाँ पे पता लग रहा है कितनी बन सकती हैं, बट अगर और इजी करना है तो हम इसके पार्ट को डिवाइड कर लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट उनकी नंबरिंग कर लें, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ। तो मतलब अगर हम देखें तो सिंगल सिंगल ट्राइंगल्स यहाँ पे हमारे पास कितनी बन रही है, 8 ट्राइंगल्स बन रही है। अब अगर हम देखें तो दो पार्ट्स को मिला के कितने ट्रायंगल्स बन रही है, ठीक है, तो 2 एंड 3 ये वाले दो पार्ट, तो यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रायंगल होगी हमारे पास, उसके बाद 4 एंड 5 को मिला के हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, दो दो पार्ट्स को, देन उसके बाद देखें तो 7 और 6 को मिला के, एंड देन उसके बाद 1 और 8 को मिला के, तो यहाँ पे हमारे दो दो पार्ट को मिला के कितनी ट्रायंगल्स बनी, 4 ट्रायंगल्स बनी। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास 3 पार्ट्स को मिला के कुछ ट्रायंगल्स बन रही हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो नहीं, ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए 4 पार्ट्स को मिला के, कोई भी 4 पार्ट्स को मिला के हमारे पास कोई ट्रायंगल बनी, यस बन सकती है, बहुत इजीली। कौन कौन सी बन रही है हमारे पास, तो जो 4 पार्ट्स को मिला के ट्रायंगल्स बन रही है वो है 2, 3, 4, 5, यस। फिर उसके बाद अगर देखें 2, 3, 4, 5 के बाद और कौन सी ट्रायंगल है, 4, 5, 6, 7, फिर उसके बाद 6, 7, 8, 1, नेक्स्ट इज 6, 7, 8, 1 के 7, 8, 1, 2, 7, 8, 1, 2, तो ये बन सकती है ट्रायंगल 7, 8, 1, 2, नहीं 8, 1, 2, 3, यस 8, 1, 2, 3, तो ये 4 ट्रायंगल्स हमारे पास यहाँ पे बनती है, कोई और ट्रायंगल्स यहाँ पे नहीं बन सकती। तो हमारे पास 1 को मिला के जो सिंगल पार्ट वाली 8 ट्रायंगल्स होगी, 2 को मिला के 4 ट्रायंगल्स एंड 4 पार्ट्स को मिला के 4 ट्रायंगल्स, तो टोटल जो है हमारी 16 ट्रायंगल्स बनती हैं। तो हम डी ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास जो है ये है नंबर एनालॉजीज। अब यहाँ पे 2-3 पैटर्न इसमें बनते हैं, या तो क्या होता है भाई, सिंपल डिफरेंस कि 29 है यहाँ पे 13 है, तो 29 में से अगर हम 16 माइनस कर दें तो यहाँ पे 13 बचेगा, फिर उसके बाद 37 में से अगर 16 माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पे हमारे पास 21 बचता है, यस। तो ये एक ऑप्शन हमारे पास बन सकती है, बट सेकेंड इसमें एक पैटर्न और भी है कि अगर 29 में से 3 माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा, 26, देन उसको क्या किया जाता है, डिवाइड, ठीक है, 2 से, तो यहाँ पे हमारे पास 13 बचता है। तो यहाँ पे अगर 37 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये है 34 को अगर 2 पे डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे बनेगा 70। बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, 21 इज आल्सो करेक्ट, 17 इज करेक्ट आल्सो। तो अब ये दोनों के दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, दोनों ऑप्शन में बढ़िया है, यहाँ पे हम किसको लेके चलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू सीरीज प्रेफरेंस माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज माय क्यूब, देन स्क्वायर, देन प्राइम नंबर, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई एंड लास्ट प्रेफरेंस इज कैप। अब यहां पे देखिए मेरा आंसर
किससे आ रहा है? डिवाइड से भी आ रहा है, और मेरा आंसर सिंपल गैप से भी आ रहा है। तो मैं सबसे पहली प्रेफरेंस किसको दूंगा? डिवाइड, मतलब जो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न और अकॉर्डिंग टू, मतलब ये समझो सबसे पहले पावर्स एंड प्राइम नंबर्स, इनको अलग जो है पहले प्रेफरेंस दी जाती है। ये जो कॉमन होता है गैप की जो प्रेफरेंस सबसे लास्ट में दी जाती है। तो हम यहाँ पे जो ऑप्शन के साथ जाएंगे वो जाएंगे 17 के साथ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं जहाँ पे मोर देन वन पैटर्न बनते हैं। तो ऐसे में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई सबसे पहले पावर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, क्यूब स्क्वायर, देन एक डिफरेंट प्राइम नंबर्स हो गए, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एंड गैप। तो इस प्रेफरेंस के साथ हम चलेंगे और यहां पे जो ऑप्शन टिक होगी जो हमारी सही होगी वो होगी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे नंबर्स का एक सेट दिया गया है जिसमें जो एक प्रॉपर पैटर्न बन रहा है। तो सेम पैटर्न वाला जो नंबर है, जो सेट है, इन चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा होगा? तो यहां पे देखिए 9 और 15 में कितने का गैप है? 6 का। 15 और 27 में यहां भी कितने का गैप है? 12 का। तो ऐसा ही कुछ पैटर्न, या तो हो सकता है कि 6 और 12 का ही गैप हमें देखने को मिले कोई ऐसा सेट, या कई बार इसमें क्या होता है कि जैसे ये नंबर 6 है और उसका डबल 12 यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ऐसा कुछ कि कोई नंबर पहले कुछ गैप दिया जाए देन उसका डबल यहाँ पे ऐड हो, कोई ऐसा पैटर्न वाली ऑप्शन भी हम सही करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले 3 लेटर्स ऐड हो रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे 9 लेटर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा पैटर्न नहीं है जिसमें ये चीज बनती हो, नहीं। दूसरी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे पहले 10 लेटर्स ऐड हुए, फिर 10 लेटर्स ऐड हुए, मतलब ये वाली ऑप्शन डेफिनेटली रॉन्ग है और ये ऑप्शन भी डेफिनेटली रॉन्ग है क्योंकि उसमें भी ऐसा पैटर्न नहीं है। नेक्स्ट वाली ऑप्शन में क्या है हमारे पास? पहले 14 लेटर्स ऐड हुए, उसके बाद अगर देखा जाए तो 21 लेटर ऐड हुए, तो यहाँ पे भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बन रहा, तो ये भी ऑप्शन हमारी कैंसिल है। तो एक ही ऑप्शन बचती है, दैट वन इज डी। फिर भी उसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कितने लेटर्स ऐड हो रहे हैं? 8, देन उसके बाद 16, मतलब सेम डिफरेंस तो नहीं है 6 और 12 का, पर सेम पैटर्न जरूर है कि सबसे पहले 8 है उसके बाद उसका डबल उसमें ऐड हो रहा है। तो हम कौन सी ऑप्शन के साथ जाएंगे? डी। डी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट, अगेन कोडिंग डिकोडिंग में से क्वेश्चन, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर भी इस क्वेश्चन को यहां पे लिख के थोड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्रिज को इन्होंने क्या लिखा हुआ है। जी टी एल एच एल के, पैटर्न समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एफ एस 6 लेटर, जी एस 7, तो यहां पे 1 लेटर ऐड हुआ। आर इज 18, टी इज 20, तो यहां पे जो ऐड हो रहे हैं वो कितने लेटर ऐड हो रहे हैं? 2 लेटर्स। देन उसके बाद आई इज 9th लेटर और एल इज 12, तो यहां पे कितने लेटर्स ऐड हुए? 3। डी इज 4, एच इज 8, तो यहाँ पे कितने लेटर्स ऐड हुए? 4, मतलब जो पैटर्न बन रहा है वो क्या है, पहले 1 लेटर ऐड हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अभी यहाँ पे कितने ऐड होंगे? 5, देन 6। तो सेम पैटर्न हम कैटल में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो K होता है 11th लेटर, तो अगर इसमें 1 लेटर ऐड कर दिया जाए तो 12th, तो 12th लेटर इज L। अब अगर ऑप्शन में देखा जाए तो L से स्टार्ट होने वाली सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो कौन सी ऑप्शन है? B। तो हम इसके साथ जाएंगे, बाकी लेटर्स के ऊपर हम चार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो ये भी ऑड वन आउट आ गया लेटर्स में, कि हमें ये लेटर्स दिए गए हैं, इनमें सेम कोई ना कोई पैटर्न होगा उसको हमें समझना है और कौन सी ऑप्शन इसमें से डिफरेंट है वो बतानी है। तो नंबरिंग कर लें फटाफट। T इज 20th लेटर, U इज 21, W 23 एंड सेट इज 26। तो यहाँ पे पहले कितने लेटर्स ऐड हुए? 1, उसके बाद यहाँ पे 2, देन उसके बाद 3, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, M is 13, N is 14, P is 16, S is 19। तो यहाँ पे पहले कितने लेटर्स ऐड हुए? 1, देन उसके बाद 2 और उसके बाद 3, मतलब जो इनमें पैटर्न बन रहा है वो 1, 2 और 3 का पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट इज D, जो है वो है 7th लेटर, E है 5th लेटर, G 7, then 10। तो यहाँ पे पहले -2 हुआ, फिर +2 हुआ, तो हमें 4th ऑप्शन पे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता लग गया पहली दो ही ऑप्शन से इसमें 1, 2, 3 का पैटर्न है, तो C ऑप्शन जो है वो मेरी ऑड वन आउट में आ जाएगी, ये ऑप्शन मेरी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन में से आया हुआ क्वेश्चन, जहां पे हमें पहले इक्वेशंस के मीनिंग दिए गए हैं कि
ये यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है, तो हम इस क्वेश्चन को कट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स जो हैं ये टाइप नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई किसका मीनिंग क्या है, तो इस क्वेश्चन को हम कट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नॉन वर्बल, ठीक है। तो कौन सी है, मिरर इमेज, ये हमें एक फिगर दी गई है, तो इसकी मिरर इमेज कौन सी बनेगी। अब जब मिरर यहां पे प्लेस करो चाहे यहां पे प्लेस करो, तो ये चीज ध्यान रखिए कि ये वाला जो एक्स है, ठीक है, ये वाली जो एक्स है वो किधर आएगी, हमारी दिस साइड बनेगी, ठीक है, और ये वाला जो एक्स है ये हमारा किस साइड चला जाएगा, दिस साइड चला जाएगा, यस, ठीक है। तो ये वाली चीज हम देखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमें ये लाइंस का भी ध्यान रखना है। अच्छा, जो हमारा ओ है वो नीचे की ओर प्लेस्ड है, और जो ओ है वो नीचे ही रहेगा, ठीक है, और यहां पे आएगा, और ये भी चीज चेंज होगी। अब ये देखते हैं ये कहां पे हमारा प्लेस्ड हो रहा है, ठीक है। शायद हमें ज्यादा टाइम इस पे एक्स के ऊपर ना लगाना पड़े, हम सिर्फ ओ की प्लेसमेंट को देखेंगे। तो इस ऑप्शन में देखा जाए तो ओ की जो पोजीशन है काफी अपर है, तो ये हमारी ऑप्शन कैंसिल हो रही है। इसमें ये ओ जो है बिल्कुल ही उल्टा चला गया, ठीक है, तो ये भी हमारी कैंसिल हो रही है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो दोनों ही ऑप्शंस में जो ओ है वो सेम जैसे इन्होंने प्लेस्ड किया है तो उसी जगह पे प्लेस्ड है, तो बी और डी ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारी हो सकती है। अब हम एक्स की पोजीशन देखते हैं, तो ये वाला जो एक्स है इस साइड में आ जाएगा और ये लाइन इधर आएगी, तो ये ऑप्शन हमारी कौन सी बन सकती है। अब ये भी देखिए कि यहाँ पे थोड़ा एक्स की जो शेप है उसमें भी डिफरेंस है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो ये वाला जो एक्स है हमारा, ये स्मॉल एक्स लिखा हुआ है, ये कैपिटल में लिखा है, तो जो स्मॉल एक्स है वो इस साइड में आएगा, ये वाली जगह पे आएगा, और ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे अटैच होगी ऐसे, ठीक है। तो स्मॉल एक्स हमारा ये डी ऑप्शन में हमें मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने फिगर तो सेम बनाई बट यहाँ पे कैपिटल एक्स है और यहाँ पे स्मॉल, तो हम स्मॉल एक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो डी ऑप्शन इज माय डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट, अल्फाबेट सीरीज। तो इस सीरीज को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप सबसे पहले इन अल्फाबेट्स को काउंट कर लीजिए एंड देन इनको डिवाइड कर लीजिए। तो काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 18 हमारे पास ये लेटर्स बनते हैं, तो हम इनको या तो 3 में डिवाइड करेंगे या 3, 6 में डिवाइड करेंगे। तो 3 में डिवाइड कर दिया जाए, तो ये 3 में डिवाइड किया, 1, 2, 3 यहाँ पे 3 में, 1, 2, 3 देन 1, 2, 3 देन 1, 2, 3 तो हमारे पास ये बनता है। तो हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, ये जो इसके हमारे आइडिया मिलता है इसको सॉल्व करने का वो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, अल्टरनेटिव पैटर्न बन रहा है, तो CBA यहाँ पे एक बना है, तो ये वाला अल्टरनेटली चलेगा ऐसे CBA CBA CBA, तो यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर पे जो लेटर यहाँ पे फिल होगा वो होगा A। अब A से स्टार्ट होने वाला या तो A ऑप्शन है या C, तो इसको हम कैंसिल करते हैं साथ के साथ ही, ठीक है, तो एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन को। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, तो CBA, अब यहाँ पे DB देन ब्लैंक, ठीक है, यहाँ पे भी अल्टरनेटली है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ब्लैंक BC, मतलब डी बी के बाद कौन सा लेटर यूज हो रहा है, सी, तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा सी, ठीक है, तो DBC CBA CBA DBC, तो यहाँ पे आ गया डी, तो ACD, ये तीनों मैच कर रहे हैं ए ऑप्शन में, तो हमारी सी ऑप्शन भी यहाँ पे कैंसिल हो रही है, तो ए ऑप्शन में डेफिनेटली करेक्ट। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, CBA DBC CBA DBC देन CBA DBC। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे चार वर्ड्स दिए गए हैं, जो जिनमें से तीन किसी ना किसी तरीके से सेम है, हमें एक यहाँ पे बताया गया है जो डिफरेंट है वो पता करना है। बेनिफिलेंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, परोपकार या भलाई, ठीक है, मतलब हम अगर इसमें कहें तो यहाँ पे ये कह सकते हैं परोपकार, विनम्रता, कुछ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉर्टेसी का मतलब क्या होता है, शिष्टता, ठीक है, या भद्रता भी हम इसको बोल सकते हैं,
ठीक है, कहने का मतलब परोपकार, भद्रता, शिष्टता, भलाई, ये लगभग एक ही कैटेगरी में आते हैं, जो उसको हम सिनोनिम के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इंडल्जेंस मीन्स दयालुतापूर्ण व्यवहार, ठीक है, पोलाइटली जिसको हम कह सकते हैं, जो है सिविलाइज्ड जो होते हैं, तो ये दयालुतापूर्ण व्यवहार। तो लगभग अगर देखा जाए, और हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है जी, हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। तो अगर पहले तीन शब्दों को देखा जाए, वर्ड्स को देखा जाए, तो ये लगभग एक दूसरे के सिनोनिम है, परोपकार, भलाई, शिष्टता, भद्रता, मतलब बेनेवोलेंस, कर्टेसी एंड हिंड्रेंस, और हिंड्रेंस जो है इसका मतलब बाधा। तो ये वाला जो हमारा वर्ड है ये डिफरेंट है, तो हम डी ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमें अरेंज करना है इन वर्ड्स को, ठीक है, एक मीनिंगफुल ऑर्डर में और लॉजिकल, इसको पहले सही के लिए अरेंज करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पहला वर्ड दिया गया है सैलरी, सेकंड इज रिक्रूटमेंट, थर्ड इज एजुकेशन, प्रमोशन, स्कूल, एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले अगर जो देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक एंड मीनिंगफुल सबसे पहले आएगा स्कूल। सबसे पहले हम बच्चे को कहाँ पे भेजेंगे, स्कूल में, यस। तो फिफ्थ नंबर वाला पहले नंबर पे आएगा जो स्कूल है। तो हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही ऑप्शन में ये कॉमन जा रहा है, तो ये ऑप्शन हमारी एलिमिनेट होगी। तो स्कूल से हमें क्या मिलेगी, एजुकेशन, यस। तो थर्ड नंबर वाला ये चला गया। उसके बाद एजुकेशन के बाद हमारी क्या होगी भाई, जब एजुकेशन मिलेगी तो रिक्रूटमेंट मिलेगी, ठीक है। रिक्रूटमेंट के बाद हमें क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, सॉरी, रिक्रूटमेंट के बाद हमें क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नौकरी मिलेगी। रिक्रूट किया हमें कंपनी ने और हमें नौकरी मिली, नौकरी के बाद हमें क्या मिलेगी, सैलरी, और सैलरी के बाद उसके बाद क्या होती है, जैसे जैसे बंदा काम करता जाता है उसकी प्रमोशन होती जाती है। मतलब सबसे पहले आया फिफ्थ नंबर वर्ड, उसके बाद जो है हम जा रहे हैं स्कूल के बाद एजुकेशन थर्ड नंबर, देन एजुकेशन के बाद क्या है, रिक्रूटमेंट मिलती है सेकेंड नंबर, और उसके बाद रिक्रूटमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट सिक्स, देन सैलरी एंड देन प्रमोशन। तो 5, 3, 2, 6, 1, 4, तो ए ऑप्शन जो है वो मेरी डेफिनेटली करेक्ट है, ठीक है जी। तो इसमें ही ये सारे पैटर्न बन रहे हैं, तो ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या है, विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज इन द फॉलोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट। यहाँ पे हम कौन से दो साइंस को चेंज करें जिससे ये जो सारी इक्वेशन है वो बिल्कुल सही हो जाए। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि आपने जो चीज अप्लाई करनी है दैट इज बोर्ड मास रूल, तो बोर्ड मास रूल को नहीं भूलना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो ऑप्शन बाय ऑप्शन हमें यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, बट उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप यहाँ से अगर वर्बली कैलकुलेट कर सकते हो तो आपको हर एक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई और माइनस, इनको अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे माइनस आ जाए और माइनस की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 9 को 6 पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को बनाएंगे 15 × 9/6 अब माइनस 10 + 5, ठीक है। तो ये अगर कटे तो ये 3, उसके बाद ये कटेगा तो 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये आंसर नहीं बनाएगा 25 किसी भी कंडीशन में, क्योंकि 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 45 बनेगा, और 45 को अगर 2 पे डिवाइड किया जाएगा तो 22.5, मतलब हमारा डेसिमल में बनेगा, तो ये ऑप्शन हमारी कैंसिल हो रही है। देन उसके बाद प्लस और माइनस को अगर इंटरचेंज किया जाए, प्लस और माइनस को, मतलब माइनस की जगह हमारा प्लस आ जाए, ठीक है, और माइनस की जगह प्लस चला जाए, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिया है, 15, माइनस की जगह प्लस आ गया 9, डिवाइड बाय 6, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई 10, अब प्लस की जगह पे क्या आ गया, माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास कटिंग, इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, तो 10 जो है 2 पे कटेगा तो क्या आएगा, 5। तो 15 में अगर 5 ऐड करते तो 20, 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, तो कहने का मतलब ये ऑप्शन भी हमारी कैंसिल होगी। अब तीसरा है प्लस एंड डिवाइड को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो 15
ये तो माइनस था ही है 9, अब डिवाइड की जगह पे क्या आ गया, प्लस आ गया, तो बनेगा 6, ठीक है, मल्टीप्लाई एज इट रहेगा 10, और इसकी जगह पे क्या आ गया, प्लस की जगह पे डिवाइड, मतलब ये डिवाइड में चला गया। तो सबसे पहले इसको कट करें तो ये आएगा 2, अब मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, तो 6 इंटू 2 कितना होता है 12, तो 15 माइनस 9 प्लस 12, तो अगर हम 15 में 12 जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा 27, और 27 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 25 नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारी कैंसिल, तो डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, डी ऑप्शन जो है हमारी डेफिनेटली करेक्ट है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कोडिंग डिकोडिंग, तो यहाँ पे संडे को इन्होंने कैसे अरेंज किया है, संडे इज रिटन एज डी एन यू ए वाई एस, मतलब क्या किया, जो एस है पहले नंबर पे उसको लास्ट में लेके जाया गया, वो जो लास्ट वाला लेटर है उसको सेकेंड लास्ट नंबर पे, फिर जो सेकेंड लास्ट लेटर है उसको यहां पे थोड़ा इंटरचेंज एक पोजीशन और आगे लेके जाया गया, देन एन ओ यू को इंटरचेंज किया गया, और जो डी था उसको एस के साथ, डी जो है जो थर्ड लास्ट पे था उसको सबसे पहले नंबर पे लेके जाया गया। अब अगर मदर को यहां पे मदर की कोडिंग करनी हो तो हम यहां पे कैसे करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट लेटर क्या था एम, तो एम किधर चला जाएगा, लास्ट में, यस, और ये जो एच है जो थर्ड लास्ट में है ये आएगा हमारा पहले नंबर, तो कहने का था ये ऑप्शन तो कैंसिल है, बट ये ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये सेम चल रहा है। अब जो लास्ट लेटर था वो सेकंड लास्ट पे यहाँ पे आएगा तो आर आ गया, तो ए ऑप्शन भी हमारी यहाँ पे एलिमिनेट हो रही है। उसके बाद ई हमारे पास आ रहा है, अब बात करते हैं इन दो लेटर्स की, तो ओ इस जगह पे आ जाएगा और टी इस जगह पे आ जाएगा, तो एच टी ओ ई आर एम, तो एच टी ओ वाली कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्यूब एंड डाइसिस, डाइसिस में से आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दो डाइस की पोजीशंस दी गई हैं और यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पुट किया है, टू रोटेटेड पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो, विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ थ्री इज एट बॉटम, अगर थ्री बॉटम पे हो तो टॉप पे कौन सा नंबर होगा। अब इन दो डाइसिस में आप देखिए कि कौन सा नंबर कॉमन है, और नंबर कौन सा कॉमन है, टू, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब 2 के एडजेसेंट कौन कौन से फेस नंबर बैठे हैं, 1 भी 2 के एडजेसेंट बैठा है, 4 भी इसके एडजेसेंट बैठा है, 6 भी इसके एडजेसेंट बैठा है, एंड 5 भी इसके एडजेसेंट बैठा है, तो मतलब ये चार लोग तो इसके एडजेसेंट हो गए, पांचवा बंदा 2 खुद हो गया, तो फिर भाई 2 के अपोजिट कौन रहेगा, 3 रहेगा, यस, तो अगर उन्होंने पूछा है भाई 3 बॉटम पे हो तो टॉप पे कौन रहेगा, टॉप पे कौन रहेगा, 2, तो सी ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिलोजिज्म, तो सिलोजिज्म में हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, कौन सी कंक्लूजन इसमें से सही होगा वो हमें यहाँ पे देखने हैं। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं, सम मोबाइल्स आर इंस्ट्रूमेंट, तो कुछ मोबाइल्स हैं, इसको वेन डायग्राम की शेप में बनाएंगे, तो सम मोबाइल्स आर इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंड ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर हैवी आइटम्स, सारे इंस्ट्रूमेंट क्या है, हैवी आइटम, मतलब इंस्ट्रूमेंट के ऊपर से जाएगा हैवी आइटम्स का सर्कल, ये हमारे पास बनेगी शेप इनकी। अब इनके बेसिस पे हम कंक्लूजन चेक करते हैं, सम मोबाइल्स आर हैवी आइटम्स, वो कहते हैं कुछ मोबाइल्स हैवी आइटम्स है, हाँ जी, क्योंकि ये कट कर रहा है इसको, इसके ओवरलैप कर, क्योंकि अगर सारे इंस्ट्रूमेंट हैवी आइटम है तो कुछ हैवी आइटम्स भी क्या होंगी, मोबाइल होंगी, या कुछ मोबाइल भी हैवी आइटम्स होंगे, तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो डेफिनेटली करेक्ट है। नो मोबाइल इज अ हैवी आइटम, ये हमारा डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि कुछ अगर मोबाइल हैवी आइटम है तो कोई मोबाइल नहीं होगा, ये तो डेफिनेटली गलत होगा। सम हैवी आइटम्स आर इंस्ट्रूमेंट, तो अगर हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो यहाँ पे हमारा सम वाला कोई भी पॉजिटिव कंक्लूजन आता है वो डेफिनेटली सही होता है, तो सी जो थर्ड कंक्लूजन है वो भी मेरा डेफिनेटली करेक्ट है, तो माय फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट, तो हम डी ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाएंगे, तो डी ऑप्शन जो है मेरी सही है, ठीक है। तो ये थे हमारे जो 25 क्वेश्चन हमें
SSC-CGL के एग्जाम में देखने को मिले थे, जिनको आज हमने डिस्कस किया। ठीक है, थैंक यू। आप में से जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक माय करियर यूट्यूब ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और आप इन वीडियोस के साथ रिलेटेड, ठीक है, जो भी कमेंट्स हैं आप उनको करते रहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वीडियोस को लाइक करते रहिए अगर आपको ये डिस्कशंस अच्छी लगती हैं, और आपके स्टूडेंट्स के कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आपके किसी भी बैंक एसएससी या अदर आपके कोई डाउट्स है किसी भी क्वेश्चंस के क्वांट और रीजनिंग एलआर सेक्शन में से, तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने उन डाउट्स को। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई आप वीडियोस के रिलेटेड कुछ भी आप सजेशंस देना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके दे सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।